जयपुर के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया और इस बार अर्धनग्न होकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की। आज का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा क्योंकि छात्र नेताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा चुनाव को निलंबित करने का निर्णय छात्र अधिकारों का हनन है और इसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से अपील की है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करें। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव न केवल छात्रों की समस्याओं को उजागर करने का एक मंच है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि छात्रों के अधिकार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और यदि चुनाव बहाल नहीं हुए तो वे और अधिक उग्र कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। छात्र नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि छात्र संघ चुनाव छात्रों की आवाज को बुलंद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसे बहाल करना आवश्यक है। इस आंदोलन को छात्रों के साथ साथ कई शिक्षकों और समाज के विभिन्न वर्गों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लोकतांत्रिक अधिकारी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सरकार की ओर से अभी तक इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन छात्र नेताओं की चेतावनी और लगातार बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। हमने 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए। पुलिस ने गेट के अंदर हम विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेताओं को छात्रों को यहाँ मारा पीटा घसीटा। कईयों के हाथ टूट गए, कईयों के पैर टूट गए। तो पुलिस और सरकार के खिलाफ जो हमें नंगा करा तो हम नंगे होके अधनगन होके यहाँ उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी मांगे पूरी करें, छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं उनको चालू करने के आदेश जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा हजारों की संख्या में। हम विधानसभा घेराव का एक चैलेंज देते हैं सरकार को, क्या तो आदेश जारी कर दें। हम पूरे राजस्थान के जो भी युवा नेता हैं अपने विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर बनाना चाह रहे हैं वो सब आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें आपको झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में भी अगर कोई चुनाव होंगे तो ये छात्र आप सबके खिलाफ में रहेंगे। तो छात्र संघ चुनाव बहाल करें, जल्दी उनको चालू कराने के आदेश जारी करें। वो खुद यूनिवर्सिटी के एक प्रोडक्ट हैं, यहाँ से निकले हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई छात्र यहाँ पे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप उनको छात्र संघ चुनाव को चालू करें ताकि अपना भविष्य बना सके। आप भी कहीं से भविष्य बना के आए हो छात्र राजनीति में, अगर एक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे कई सालों से जो मेहनत करें, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है टीम बन के यहाँ पे कई सालों से प्रयास करें वो निराशाजनक रहेगा, उसका विरोध आप सबको झेलना पड़ेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार छात्र राजनीति पर गौर किया जाए, जहाँ से आप निकले हो, जहाँ से आपने सीखा है, उन सबके ऊपर एक पहल करके और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए।